प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय बातचीत हुई। पाकिस्तान से जारी आतंकवाद के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इससे निपट लेंगे। साथ ही ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताया। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट के बाद मंगलवार को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक चली इस बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा काफी अहम रहा। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और इनकी कोशिशों से कुछ अच्छे नतीजे सामने आएंगे। पाकिस्तान से जारी आतंकवाद के सवाल पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इससे निपट लेंगे। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर, इज देयर अ रोड मैप टू डील विद पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर? आई विश आई हैड रिपोर्टर्स लाइक दिस। वी आर डूइंग बेटर देन एनीबॉडी आई हैव एवर हर्ड। व्हेन डू यू फाइंड दिस रिपोर्टर्स? दिस इज अ ग्रेट थिंग। नाउ लुक, यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली जैसा लोकप्रिय बताते हुए उन्हें फादर ऑफ इंडिया बताया। Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before. It was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India.